प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है रीजनल वेदर बुलेटिन। इसमें हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो मैं कई दिनों के बाद बना रहा हूं, जो आपको मैप के साथ दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे था और अब मैं वापस आया हूं और ये घर से ही वीडियो बना रहा हूं। हालांकि तो आज छोटी दिवाली है और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले देख लेते हैं कि वेदर सिस्टम क्या है। तो एक लो प्रेशर एरिया, ये मैप है, ये साउथ इंडिया का मैप है, क्योंकि बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इसीलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रफ रेखा आ रही है जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर के तमिलनाडु के तट तक आ रही है, और एक साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से लेकर के लो प्रेशर एरिया जो अरब सागर में बनने वाला है, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया कोमरिन एरिया में था, साउथ श्रीलंका या श्रीलंका और साउथ तमिलनाडु के आसपास था, वहाँ वो अब साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, और आगे बढ़कर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़कर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन सकता है और ये डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है। फिलहाल इसके साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और ये अगर साइक्लोन बनता भी है तो ये भारत के किसी भी तट पर, यानी कि जो पश्चिमी तट है वहां पर नहीं टकराएगा, अभी तक यह उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां केरल और तमिलनाडु के साथ साथ जो गोवा और उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में बढ़ सकती है। अभी तक का अगर हम देखें, रेन स्टैटिस्टिक्स देखें, तो अभी तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वो साउथ पेनिनसुला में, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 26% ज्यादा हुई है, यानी काफी अच्छा नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय चल रहा है और बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी हुई है। ये 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का ये डेटा है। और लेकिन उसके बावजूद भी जो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये डेफिशिएंट बने हुए हैं, और बाकी सब इलाके, यानी कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और रायलसीमा, ये सारे इलाके जो इलाके हैं ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि या तो एक्सेस है या लार्ज एक्सेस है, यानी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो अब क्या होगा कि जो फोरकास्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तमिलनाडु में अगले 2-3 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों को भी अच्छी बारिश मिल सकती है, और उसी तरह से कर्नाटका के कई इलाकों में, यानी इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ तटीय कर्नाटका में, केरल में और जो आंध्र प्रदेश है, इस सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। एक तो ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा तो हवाएं इस तरह से घूमेंगी, तो ये मॉइस्चर लेकर आएंगी यानी कि पश्चिमी तट पर, और ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है इसके प्रभाव से भी जो बारिश की गतिविधियां हैं आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन जो तेलंगाना है इसमें हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी इस ट्रफ के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और 6 या 7 तारीख को, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे आकर के यहाँ श्रीलंका के आसपास लो प्रेशर एरिया बना, अब वो केरल को पार करके साउथ ईस्ट अरेबियन सी में लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेलमार्क बनेगा और डिप्रेशन बनेगा, और एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 6 या 7 तारीख के आसपास बनेगा, जो फिर दक्षिण तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा, और हालांकि वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। यानी कि एक के बाद एक वेदर सिस्टम तो बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 महीने से कोई भी साइक्लोन नहीं बना, यानी कि जो पहले साइक्लोन गुलाब बना था उसने आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर और ये इस इलाके में लैंडफॉल किया था और वो आगे बढ़ा था, और आगे बढ़ते हुए वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ता रहा, और उसके बाद उसने फिर से अरब सागर में जब वो पहुंचा तो साइक्लोन शाहीन बना और वेरी सीवियर साइक्लोन बन करके उसने ओमान और यमन के आसपास जाकर के तबाही बचाई थी, लेकिन उसका असर भारतीय तट पर देखने को नहीं मिला था। यानी शाहीन के बाद अभी तक कोई भी तूफान नहीं बना है, और ये क्योंकि साइक्लोन सीजन है तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में, अभी अगले 1 सप्ताह तक तो कोई उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन बन सकता है, लेकिन अभी साइक्लोन सीजन चल रहा है और इसके, यानी कि साइक्लोन बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई भी साइक्लोन बन सकता है। और इसके आगे यानी कि बाकी इलाकों का, यानी कि मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत का अपडेट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जो नेशनल वीडियो होगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।